हेलो दोस्तों, मैं करण सोन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया अंडर 19 और इंडिया अंडर 16 टीम में सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं या जो बिगनर हैं उनको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता, कैसे डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन होता है, कैसे स्टेट में सिलेक्शन होता है, कैसे अंडर 19, कैसे अंडर 16 क्या होता है, कुछ ज़्यादा पता नहीं होता और बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, एक और बात कि आपको, अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया टीम में सिलेक्शन कैसे होता है, रणजी में कैसे सिलेक्शन होता है, इंडिया अंडर 19 टीम में कैसे सिलेक्शन होता है, अंडर 16 में कैसे सिलेक्शन होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली बात है वो है आपको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी होगी। दोस्तों, जब तक आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं करोगे तो आप एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। दोस्तों, जो सबसे पहली बात होती है वो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी। अगर आपने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर वहाँ पे आपको क्रिकेट एकेडमीज़ के लोकल मैचेज खेलने होंगे। जैसे एक एकेडमीज़ के दूसरे एकेडमीज़ में एकेडमियाँ ऑर्गेनाइज करवाती हैं लोकल मैचेज, ये मैचेज आपको बहुत ज़रूरी होते हैं खेलने के लिए। आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि क्या कितना खेल रहा है। अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नहीं खेल सकते तो उस लोकल मैचेज का अनुभव बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर आप जब अच्छे से एक प्लेयर के रूप में उभर के आओगे तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मैचेज खेलने के लिए एक अच्छे से प्लेयर बन पाओगे। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का एक ट्रायल होता है वो देना होगा। अगर आप उस ट्रायल पर पास हो जाते हो या आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खिलाए जाएंगे। अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट के अंडर 16 टीम में सिलेक्शन होगा, फिर वहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट के अंडर 19 टीम में सिलेक्शन होगा। अगर आपका यहाँ पे इन तीनों में अगर आपका अच्छा परफॉर्म रहता है तो सिलेक्टर जो होते हैं वो आपको देखेंगे, मैचेस में देखेंगे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कैसा खेल रहे हो, तो उसके बेस पर आपका रणजी टीम में सिलेक्शन होता है, न कि ट्रायल देना होता है रणजी, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको डायरेक्टली भी सिलेक्शन होता है रणजी टीम में अगर आप एक अच्छा परफॉर्म करते हो या अच्छा खेलते हो। तो अगर आप रणजी टीम में पहुंच गए तो फिर उसके बाद बहुत इजी रहता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती जो नीचे लेवल में करनी पड़ती है। दोस्तों, जब आप आगे लेवल में पहुंच गए तो फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर लिया तो वहाँ पे रणजी में, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा इंडिया अंडर 19 टीम में और इंडिया अंडर 16 टीम में। फिर वहाँ से अगर आप इंडिया अंडर 19 टीम में खेल गए तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बहुत से वैसे तो पहुँच ही जाओगे आप इंडिया टीम में अगर इंडिया अंडर 19 खेल लिया। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस इंडिया तक खेलने का। मैंने इसमें बताया था कि इंडिया अंडर 19 और इंडिया अंडर 16, बस मैंने पूरा आपका बता दिया इंडिया तक खेलने का प्रोसेस। आई विश, मैं दुआ करूँगा कि आप इंडिया के लिए ज़रूर खेलें। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिसको पता नहीं है कि कैसे सिलेक्शन होता है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो आगे और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।